हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ L6270 प्रिंटर के बारे में, जो कि मेरे पास रखा हुआ है। और ये प्रिंटर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप भी इस प्रिंटर के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। प्रिंटर का मॉडल नंबर है L6270। तो जो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, इसका प्रिंटर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका लाइफ बहुत ही मतलब कम है। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ये प्रिंटर जो है लिया हुआ मात्र 4 महीना हुआ है और ये 5वां महीना स्टार्ट है, और इस प्रिंटर का हालत इतना खराब हो गया है। पहले बात तो मेंटेनेंस बॉक्स खराब हो गया, उसके बाद इस प्रिंटर में लाइनिंग आने लगा, और उसके बाद प्रिंटर ये खींच मतलब जो पेपर होता है ना वो खींच नहीं रहा। तो इसीलिए आप लोगों को सजेशन करूंगा, प्रिंटर जो इप्सन का होता है L6270, वो प्रिंटर आप ना ले, ना तो आपका जिंदगी खराब कर देगा, यानी बर्बाद कर देगा। अगर आप एक नॉर्मल मतलब दुकानदार हो और 25,000 रुपये पूंजी लगा कर आप ये प्रिंटर खरीदते हो, तो ये प्रिंटर आपको मतलब कहीं का नहीं छोड़ेगा, समझ लीजिए। 25,000 कमाने में आप भी जानते हैं कितना टाइम लगता है नॉर्मल दुकानदार को। अगर आप कोई बड़े पैमाने का दुकानदार होते हैं, प्रिंटर बिल्कुल ना ले। आप छोटे दुकानदार आए तो उसे सजेशन करके बाद आप ना ही ले, वही बेहतर आपके लिए होगा। अगर आप लेते हैं तो प्रिंटर आपको रोड पर ले आएगा, मतलब आप भली बात ही देख सकते हैं। अगर हम पेपर भी इसको मतलब अभी जो प्रिंट करेंगे ना, तो ये जल्दी खींचेगा नहीं है, इसको कस के लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं लेता रहता है। इसका जो इंजीनियर आया हुआ था वो बोला जो कस के लगाओ फिर लेगा पेपर, वो भी करा फिर भी नहीं लेता है। कभी कभार पेपर मतलब खींचता है तो झपटता है, लेता खींचता नहीं है सही से। इस पर लाइनिंग आने लगा है, आप समझ सकते हैं कि ये प्रिंटर मेरा मतलब, और आप मेरा दुकान भी देख सकते हैं कि मैं बहुत ही छोटा दुकानदार हूँ ये, लेकिन मुझे प्रिंटर जो है कहीं का नहीं छोड़ा है साला। देखते हैं, अभी भी मैं लाइव दिखा रहा हूँ, पेपर खींच नहीं रहा है। या प्रिंटर आप बिल्कुल ना लें, नहीं तो आपका जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर आप जरूर आए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन घंटा वीडियो जरूर प्रेस कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।